कड़ी से कड़ी भाषा में हम लोग निंदा करते हैं। और उसके साथ साथ ये भी कहना चाहते हैं कि जब कोई भी निरपेक्ष तदंतकारी केंद्रीय संस्था कोई भी राज्य पर जाते हैं और वो भी महामान्य उच्च अदालत के निर्देशानुसार, और जब उनके ऊपर अटैक होते हैं, इससे बड़ी निंदा का विषय हो ही नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री नितिश प्रमाणिक को पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में पंजीकृत एक 5 साल पुराने हत्या का प्रयास मामले में गिरफ्तारी पर आदेश दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। नितिश प्रमाणिक वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के सांसद, पहले तृणमूल कांग्रेस के साथी थे। उन्होंने मार्च 2019 में बीजेपी में शामिल होकर कूच बिहार से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीता। मई 2021 में जब प्रमाणिक ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ा तो भारतीय निर्वाचन आयोग को जमा किए गए हलफनामे में खुलासा हुआ कि उनके खिलाफ कम से कम 13 आपराधिक मामले लंबित हैं। हलफनामे के अनुसार उन पर हत्या, डकैती, हत्या का प्रयास, गंभीर चोट पहुंचाना, चोरी जैसे आरोप शामिल हैं। पूर्व प्राथमिक विद्यालय में सहायक शिक्षक रहे प्रमाणिक को इन मामलों में किसी भी मामले में सजा नहीं मिली है। आपको बता दें कि नितिश प्रमाणिक के खिलाफ साल 2018 में दिनहाटा पुलिस स्टेशन में एक हत्या का प्रयास मामला दर्ज किया गया था और 307 हत्या का प्रयास और 326 गंभीर चोट पहुंचाने वाली धाराएं लगाई गई थी। इस केस में बताया गया कि पीड़ितों पर 2 गोलियां चलाई गई जिसमें 2 लोग घायल हो गए। उनमें से एक को छाती में गोली लगी और दूसरे को कुल्हे में गोली लगी और चोट आई, लेकिन वक्त पर इलाज से दोनों बच गए थे। पुलिस ने उन दोनों घायलों को अबुल कलाम आज़ाद और आज़ादुल के रूप में पहचाना, जिसमें आज़ाद को छाती में गोली लगी, आज़ादुल को कुल्हे में गोली लगी और अब वो व्हीलचेयर पर है। दोनों कूच बिहार में दिनहाटा में गीतालदा गांव के निवासी थे। पुलिस के अनुसार साल 2018 में राज्य में पंचायती चुनाव से ठीक पहले शासक तृणमूल कांग्रेस के 2 गुटों के बीच एक झड़प हुई। कुछ गोलियाँ चलाई गई जिसमें दोनों घायल हो गए। रविंद्रनाथ घोष, एक वरिष्ठ टीएमसी नेता और पूर्व राज्य मंत्री, ने कहा कि पार्टी ने दोनों को नियमित रूप से सहायता प्रदान की है। साल 2023 जनवरी में प्रमाणिक ने कूच बिहार के एक अदालत में आत्मसमर्पण किया था और साल 2009 में 2 ज्वेलरी दुकानों में चोरी में के एक 14 साल पुराने मामले में जमानत प्राप्त की थी, जब पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा की सत्ता थी। वैसे उनके वकील सायक चक्रवर्ती ने कहा कि उनके खिलाफ कोई वरिष्ठ आरोप नहीं है, एक घटना हुई थी, एक मामले में कई व्यक्तियों को संदेह में गिरफ्तार किया था और वो उनमें से एक प्रमाणिक भी हैं। ये पूरी तरह राजनीतिक है, उनका नाम जानबूझकर शामिल किया गया था। वैसे प्रमाणिक के हलफनामे में ये भी बताया गया है कि उनके खिलाफ एक हत्या का मामला भी लंबित है, जबकि हत्या का प्रयास का मामला 14 अगस्त 2018 को दिनहाटा पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दर्ज किया गया था, तो हत्या का मामला उसी पुलिस स्टेशन द्वारा 4 अप्रैल 2018 को दर्ज किया गया था। आपको बता दें कि प्रमाणिक ने एक युवा नेता के रूप में टीएमसी के साथ शुरुआत की। उन्होंने उत्तर बंगाल में पार्टी में एक प्रबल नेता बनने के लिए काफ़ी मेहनत की थी। हालांकि साल 2018 में उन्होंने टीएमसी के खिलाफ विद्रोह कर दिया और उस साल के पंचायत चुनाव में पार्टी के खिलाफ 300 स्वतंत्र उम्मीदवारों को खड़ा किया। उन्होंने साल 2019 में फरवरी में बीजेपी में शामिल होकर कूच बिहार से चुनाव लड़ा और जीत गए। इसके बाद साल 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 8 उत्तर बंगाल के जिलों में 54 सीटों में से 30 सीटें हासिल की। टीएमसी ने राज्य की 294 सीटों में से 213 जीती। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने राज्य की 42 सीटों में से 18 हासिल की। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश प्रमाणिक को गिरफ्तारी से बचाने का एक बड़ा कदम है, जो केंद्र और राज्य के बीच तनाव को दर्शाता है। प्रमाणिक के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों को भी इसी आदेश में देखा जा सकता है, जो उनके राजनीतिक करियर पर प्रभाव डाल सकते हैं। इस घोटाले ने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी सवाल उठाया है। इस घटना का राजनीतिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में बढ़ते आपराधिकरण पर क्या महत्व है?
इसका आप खुद ही निर्णय कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमने आपको इस विषय पर विस्तृत और विश्वसनीय जानकारी प्रदान की है। नमस्कार, आप देख रहे थे एयर न्यूज़।